जाएगा और वॉलेट केबल यहाँ पर आएगा। पूरा सेटअप हो गया, घर की सेटिंग सब कुछ हो चुकी है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। अभी खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तब दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। सुबह सुबह पहली रील जो मैंने देखा उसमें ये शायरी थी और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी, तो इसलिए मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत ये शायरी से कर रहा हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एक नई सुबह एक नए ब्लॉग के साथ मैं फिर रेडी हूँ आज का दिन स्टार्ट करने के लिए। तो आज मैं अभी इस वक्त हूँ माहिम में और अभी बज रहे सुबह के 9:15, तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ पैरामाउंट में। तो ही पहले मैंने जिक्र करा था अपने ब्लॉग में कि माहिम में एक रेस्टोरेंट है पैरामाउंट, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त पुडिंग मिलती है। वहाँ का ब्रेकफास्ट भी अच्छा ही है, पराठा वगैरह। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं खाने वाला मॉर्निंग में, और आज के दिन भर के प्लान बहुत ज़्यादा है। क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यूट्यूब का स्टूडियो मेरे घर के अंदर पूरा सेटअप करना है, घर की सेटिंग भी करना है और भी चीज़ें, सारी चीज़ें बताऊँगा। पहले मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म करूँ, मॉर्निंग की पहली चीज़। अपना नाश्ता आ चुका है, ये है खीमे का समोसा। समोसा बहुत दिन के बाद देखा खीमे का, इसके लिए मैं खा रहा हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये पुडिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, 18 रुपये की कुछ पुडिंग है ये, और ये है डबल अंडे का भुर्जी, और ये है इनका पराठा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। ये बटर मस्का मार के भी मिलता है, लेकिन मैं बिना मस्के का खा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पिंपल का ट्रीटमेंट चालू है। तो ये ब्रेकफास्ट मैं अभी करने वाला हूँ आज, क्योंकि अगले हफ्ते से एनीवेज डाइट स्टार्ट मेरी होने वाली है। तो आज समोसा पुडिंग और ये सब खा के एंजॉय कर लूँ संडे तक के। फिर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समोसे के साथ। समोसे के लिए ये चटनी, खीमे का समोसा मॉर्निंग में शायद ही कहीं मिल जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार है यार ये, और ये जो ग्रीन चटनी है वो डाल के अलग ही मज़ा आ रहा है, और ये जो पुडिंग है स्पेशली ये जो जला हुआ पार्ट है ना, ये इसका ज़्यादा अलग ही किस्सा है। अपने लोग मीठा खाने के बाद खाते, लेकिन मैं खाने के साथ खाता हूँ, मेरा सिस्टम थोड़ा अलग है। ओए होए होए ज़बरदस्त। ये पराठा, पराठा जो है लाइव यहाँ पर बनता है, ऐसा नहीं कि पहले से बना हुआ रहेगा। आप ऑर्डर दोगे पराठा तब आपको मिलेगा। और उसके साथ में ये भुर्जी, भुर्जी ये डबल अंडे की है, इसका प्राइस है 60 रुपीज़। भुर्जी पराठा, भुर्जी जो है बहुत ही कम तेल में बनाई गई है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट दे रही है ये पराठे के साथ में। माइक में लगाया नहीं, पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही है। कि पराठा, एग और पराठा, परफेक्ट नाश्ता प्रोटीन के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मॉर्निंग की पहली चाय। इतना सारा मैंने नाश्ता करा, उसमें भुर्जी समोसा पुडिंग सब कुछ था, चाय पी थी डबल पानी कम, और बिल आया सिर्फ 123 रुपीज़। मॉर्निंग का ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट हो गया, कुछ ज़्यादा हैवी हो गया, मैं सोचा नहीं था इतना हैवी करूँगा, लेकिन क्या है आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक एक चीज़ खा दिया, वो एक एक चीज़ भी हैवी हो गई। एनीवेज तो अभी ये हो गया, तो लंच मैं लेट करने वाला हूँ एनीवेज आज। और अभी एक ट्रेनिंग मेरी बची है माहिम में ही, एक ट्रेनिंग बची है, इसके लिए मैं ब्रेकफास्ट का प्लान भी यहाँ पर करा। तो एक ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसा मैं अपना यूट्यूब का स्टूडियो सेटअप करने वाला हूँ, घर में क्या क्या चेंजेस सेटिंग होने वाली है, जो हर घर में ये रहता ही है रोना हर महीने के बाद कि मुझे ये चेंज करना है, यहाँ से वो करना है, वहाँ से वो करना है, टीवी यहाँ से वहाँ लगाना है, कबड्ड यहाँ से वहाँ लगाना है, सारी चीज़ें हम देखेंगे आज, क्योंकि ये डेली व्लॉग चालू हो चुका है, तो मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है वो मुझे दिखाना भी ज़रूरी है। एक व्लॉगर के लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है बारिश भाई, 7 रस्ते पर बहुत ही गंदा ट्रैफिक हमेशा की तरह, आज कुछ ज़्यादा ही है, कुछ तो भी हुआ है आगे, पता नहीं क्या हुआ है। 15 मिनट से हम लोग हैं, 25 मिनट से सेम ट्रैफिक का हाल है। तो गाइस मोहम्मद को जस्ट स्कूल छोड़ के हो गया है। आप लोग को मॉर्निंग में बताया था कि मैं घर में छोटा सा यूट्यूब का स्टूडियो सेटअप करूँगा, जहाँ पर मैं अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह या एडिटिंग वगैरह अच्छे से कर सकूँ। बट होता है कि घर में लाइट्स बहुत कम रहती है, तो लाइट्स के लिए मैं 2 लाइट्स अभी अलग से लूँगा, ताकि लाइट्स का प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज यूट्यूब में अगर लाइट बराबर नहीं है तो आपका वीडियो बहुत ही गंदा आ जाएगा, और क्लैरिटी पूरी, जितना भी अच्छा कैमरा रहे क्लैरिटी ख़राब होती है। तो 2 लाइट्स मुझे लेना है, और घर की पूरी सारी सेटिंग चेंज करना होगा, कबर्ड को यहाँ से वहाँ, टीवी को यहाँ से वहाँ, सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ करना पड़ेगा। वो कैसा होगा सारा काम जाम मैं आपको दिखाने वाला ब्लॉग में। तो सबसे पहले लाइट्स लेंगे और फिर बाद में घर पे सारे वीडियो बनाएंगे। 22 वॉट्स की 2 लाइट ले रहा हूँ फिलहाल, देखते हैं कितनी लाइट आती है, अगर फिर भी कम पड़ी तो फिर एक रिंग लाइट अलग से लेना पड़ेगा। और रिंग लाइट का मसला ये है कि वो रखने में बहुत काम जाम है, जब शूटिंग है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज बहुत ही जगह लेके खड़े रहते हैं।
तो ये दो लाइट आ गई है। इसमें एक साल का है ना वारंटी? एक साल गारंटी है, कुछ भी हुआ तो ये रिप्लेस होता है। कितने का लाइट है? 200 रुपये का एक है। ये जो टेबल दिख रहा है आपको, ये मेरा YouTube का स्टूडियो छोटा सा है जहाँ मैं अपनी एडिटिंग वगैरह सारे काम करता हूँ। अब ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और जो टीवी आपको दिख रहा है, टीवी भी यहाँ से हट के ये वाली वॉल पे आएगा, क्योंकि ये वाली वॉल बहुत ही बेकार और खाली पड़ी हुई है। और ये जो ट्यूबलाइट दिख रही है, इसका ऑलमोस्ट काम तमाम हो चुका है, तो ये रिप्लेस हो जाएगी न्यू वाली ट्यूबलाइट से, जो कि मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ 22 वॉट की। और ठीक उसके बाजू में यहाँ पर एक और ट्यूबलाइट लगेगी जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट देगी मेरे न्यू स्टूडियो को, यानी कि यहाँ पर। ये जो कबर्ड है वो वहाँ चले जाएगा और ये जो सोफा है वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। और ये जो टेबल है कहाँ जाने वाला है वो देखेंगे। तो फिलहाल ये जो कॉर्नर दिख रहा है, जो गैलरी से लग के बालकनी से लग के, यहाँ पर आ जाएगा मेरा न्यू टेबल और पीछे की वॉल पूरा ये स्टूडियो की तरह मैं क्रिएट करूँगा, छोटा सा कॉर्नर, स्टूडियो कॉर्नर। तो मेरा अभी इतना बड़ा तो स्टूडियो है नहीं एरिया मेरे घर में, छोटे से एरिया को स्टूडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ये बालकनी जो कि थोड़ी मेस्ड अप है टॉयज़ वगैरह से, ये भी क्लीन होगी और पूरा एक कनेक्शन रहेगा स्टूडियो का, जो मज़ा आने वाला है। और बाहर जो एक लाइट लगी है, बल्ब जो आप देख सकते हो, ये बहुत ही पावरफुल बल्ब है, इसकी लाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लाइट भी अंदर आ जाएगी, बेस्ट है। और यहाँ पर जो लाइट लगेगी वो सीधा मेरे फेस पे आ जाएगी। तो कुछ ऐसा सेटअप अभी हम करने वाले हैं, देखते हैं अभी कैसा होता है। इलेक्ट्रिशियन को मैं 3 बजे बुलाया हूँ, एक बार लाइट वगैरह लग जाएगी तो फिर मज़ा आएगा काम करने के लिए। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, ये जो लाइट दिख रही है, पहले यहाँ 2 लगने वाली थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन ये खंभा जो है छोटा पड़ गया तो एक लाइट वापस कर दी। तो ये भाई ने आइडिया दिया कि 40 वॉट की लाइट अगर लगा देंगे तो पूरे घर में ज़बरदस्त उजाला आएगा। तो ये है 40 वॉट की लाइट लगाने के बाद उजाला, और स्टूडियो जो है यहाँ पर रहने वाला है तो काफ़ी उजाला है, अभी कबर्ड यहाँ से हट जाएगा, तो ये अच्छा आइडिया था। और टीवी यहाँ लग चुका है, वहाँ से हट के तो टीवी भी सेट हो गया। चालू है, अभी ये कबर्ड वहाँ जाएगा और वाला टेबल यहाँ पर आएगा। फाइनली आधे घंटे की मेहनत के बाद हमारा पूरा सेटअप हो गया, घर की सेटिंग सब कुछ हो चुकी है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ अभी। तो कबर्ड जो है फाइनली यहाँ पर आ चुका है, उसके बाजू में छोटा वाला ट्रॉली जो है वो भी आ चुका है, उसके ऊपर वाईफाई का राउटर आ गया है, तो वो कोना सेट हो गया जहाँ मेरा पहले टेबल हुआ करता था। सोफ़ा जहाँ है, जहाँ था वहीं पर ही है, उसके ऊपर मोहम्मद का स्पाइडरमैन का बैग है। चेयर यहाँ रहेगी जो कि यहाँ पर आ जाएगी बाद में एडिटिंग वगैरह के। और ये मेरा छोटा सा टेबल है, एडिटिंग टेबल और यूट्यूब का स्टूडियो, यानी कि ये जो वॉल दिख रही है इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, मतलब चैनल का नाम और एलईडी लाइट वगैरह जो भी आगे जाके मैं करूँगा काम जाम, तो ये कोना बेसिकली मेरा स्टूडियो वाला हो जाएगा जहाँ मैं एडिटिंग वगैरह सुकून से बैठ के कर सकूँगा। तो अभी ये कुछ इस तरीके से एकदम ओपन स्पेस हो गया है, कबर्ड वहाँ और टीवी यहाँ लग गया है। वहाँ टीवी लगा हुआ था, टीवी इतना कोई देखता है नहीं, सब लैपटॉप और फ़ोन में ही लगे रहते हैं अपने, तो टीवी यहाँ लग गया है, जिसको देखना है वो यहाँ बैठ के देख सकता है। तो ये करने के लिए हमें लग गया पूरा आधा पौना घंटा, और टीवी का तो पूरा सेटअप करने के लिए स्विच वगैरह भी लगाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, बिकॉज यहाँ कनेक्शन नहीं दिया था, वहाँ कनेक्शन दिया था। तो एनीवेज केबल यूज़ नहीं करते हम लोग, फायर टीवी स्टिक यूज़ करते हैं। तो ये रहा गाइस मेरा 40 वॉट्स की लाइट का कमाल, ये देखो फेस कितना ग्लो और ब्राइट आ रहा है। और अगर मैं ऐसा रखूँगा तो इतना खास नहीं है, लेकिन ये लाइट के अंडर ये ऐसा लग रहा है कि रिंग लाइट अलग से लगी हुई है। तो ये लाइट का कमाल हो गया 40 वॉट्स के। मोहम्मद अपना वहाँ बड़बड़ कर रहे हैं, वो अपना एक अलग से व्लॉग बनाना चाह रहे हैं। क्या बना रहे हो मोहम्मद, क्या बना रहे हो व्लॉग? हाँ, तो ये मोहम्मद, हाँ, और अपने अपने कैमरे में दिखाओ, व्लॉग बना रहे हो ना? हाँ, तो ये मोहम्मद का व्लॉग बन रहा है गाइस। क्या ठीक है, चलो मोहम्मद का व्लॉग बनते रहेगा। तो गाइस ये था मेरा सेटअप, अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज चुके और मैं अभी जाऊंगा थोड़ी देर में एडिटिंग कंप्लीट करके, जो आज का 8:30 का व्लॉग है वो अपलोड करना है, फिर जिम भी जाना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मेरी व्लॉगिंग में शिफ्टिंग में घर की सेटिंग में पूरी हालत खराब हो गई, तो बाहर कुछ बनाने की भी हिम्मत नहीं रही, तो एडिटिंग वगैरह सब कुछ बचा हुआ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। होप आप लोगों को मेरा ये घर के शिफ्टिंग और यहाँ वगैरह सेटिंग वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। और एक छोटा सा स्टूडियो का भी मैंने बताया, उसको और बड़ा स्टूडियो बनाना है। अगर आप ऐसी लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करते रहोगे तो ऐसे होते रहेगा। जल्द मिलूंगा आपको, कल मिलूंगा आपको न्यू व्लॉग के साथ।